बहुत असी आसा के नाल सीगे भी चलो है ना दीप सिद्धू की याद में समागम हो रहा वा बड़े खंभों के उत्ते बोर्ड लाए हुए सीगे जिहड़े बंदे पहरेदार ते लाए हुए ने कम से कम उन्होंने इन्ना तो पता होना चाहिए वा भी कौन बंदा कौन नहीं आ रहा देखा होगा मौके पर गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी के जदों कोई पत्रकार भी अगह बढ़ना चाहता सी उन्होंने नहीं बदन सी दिता जाता जेड़े पत्रकार उत्थे बकायदा मूहरे आपके कैमरे फिट करी खड़े ने वो किहड़े चैनल ने जेड़े दीप सिद्धू नूं सदा ही माड़ा माड़ा कहिंदे सी गदार कहिंदे सी वो चैनल अज फिर कवर करदे ने सानूं अज इस गल का दुख जरूर आ कि जिहड़ी ये गल सी असी बकायदा दीप सिद्धू के भरा दे ध्यान विच लियांदी पर उन्होंने भी कोई अणगौली करती नहीं देखिया पर जरा आ समागम समागम करना जा इत्थे कोई बड़ा ट्रस्ट बनाना जा कोई उहदियां रोटियां ना सी ते बकायदा लिखा वा IAS PCS कोच सेंटर जिहड़ा सराबा जी दे नाम दे उपर इन्होंने नाम रखने लई कीता इहदे ते भी सानू दुख आ इन्हों का परिवारक मैंबर असं फोन से संपर्क करते नहीं आए थे पर असं इतने पहुंचे हाँ सानू अज जाने की जलील होना पिया वा दुख लगता इस गल का जिहड़े बंदियां नूं तुसीं डांगा फड़ा के मूहरे खड़ा दिंदे हो ना उन्हां नूं थोड़ा जिहा ज्ञान भी दे दिया करो भी गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच खड़ के किद्दां बोलना वा एक सार नहीं समझे जिहड़े बंदे दीप सिद्धू नूं गलत बोलदे सी ओह पहली कतार दे विच मूहरे बैठे ने जिहड़े इत्थों दे प्रबंधक ने उहनां दी घटिया सोच करके इह काम होया वा जाणदी इक नहीं चाहीदा सीगा बहुत यार भद्दी सरदी उहने वरतने दुख लग्गिया वा कि यार असीं इदां किड्डा कोई गुनाह करता आए दुख इस गल का यार बहुत दुख लग्या इस एवं बस इदा कर करके ना भी बड़े कट्ठ करने कोई जरूरी नहीं जे दीप वर्गी सोच थोड़े को नहीं हैगी जिहड़ियां गल्लां दीप सिद्धू कहिंदा सी उहदे उत्ते तुसीं नहीं उतरना फिर तो दान तो सानू असी दीप सिद्धू के वारस नहीं कहा सकते सत श्री अकाल दोस्तों ला पंजाब देख रहे हो तुसीं ते मैं बलजिंदर सिंह दीप सिद्धू की पहली वर्सी के उत्ते मौजूद हाँ जिथे लगातार जिहड़ी संगत इत्थे पहुंची है साडे नाल इत्थों सराबा तो मौजूद ने जिथे लगातार जिहड़ा एक साल तो मोर्चा चलता आ रहा बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके ते हलवारा एयरपोर्ट का नाम बदलने लैके गलबात करदे हां भाजी इत्थे अज पहुंचे हो पहली वर्सी के उत्ते की कहोगे पहले पहुंचे तो यार बहुत असी आसा के नाल सीगे भी चलो है ना दीप सिद्धू की याद में समागम हो रहा वा बड़े खंभों के उत्ते बोर्ड लाए हुए सीगे समागम के पहुंचने अपीलां कीतियां सी भावें निजी तौर पर किसी नूं नहीं सद्या गया पर जदों दा सराबा पंथक मोर्चे के उत्ते सीगे असी ते असी दीप सिद्धू के भरा मनदीप नूं बार बार फोन करते हुंदे सी भी इत्थे साडे मोर्चे में हाजरी लवाओ भावें उन्होंने हाजरी उत्थे नहीं लवाई असी फिर भी बड़ा दिल रख के अज के समागम में हाजरी लवाउण लई भी पहुंचे सी वैसे असी रोजाना पहरेदार के पत्रकार भी होने के नाते कवरिंग करनी भी सी चैनल बारे भी पर उत्थे जिहड़े बंदे पहरेदार ते लाए हुए ने कम से कम उन्होंने इन्ना तो पता होना चाहिए वा भी कौन बंदा कौन नहीं आ रहा तो वो जिहड़ा भी बंदा कोई बड़े बड़े जिवें साडे कोल इत्थे बड़े सत्कारयोग लोग आए ने उन्हां नूं तुसीं भी देखिया होगा मौके ते गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी के जदों कोई पत्रकार भी अगह बदना चाहता सी उन्हूं नहीं बदन सी दिता जाता जेडे पत्रकार उत्थे बकायदा मूहरे आपके कैमरे फिट करी खड़े ने वो किहड़े चैनल ने जेडे दीप सिद्धू नूं सदा ही माड़ा माड़ा कहिंदे सी गदार कहिंदे सी वो चैनल अज फिर कवर करदे ने जेडे कौम की गल करते हैं जिमें असी तो कहे साडा रोजाना पहरेदार आ जिहड़ा वो बकायदा गल करता तो असी 10 महीने सानू ये कोई असी आपका किसी कौम के उत्ते शान नहीं है साडा भी असी 10 महीने उत्थे मोर्चा लाया पर सानू अज इस गल का दुख जरूर आ कि जिहड़ी ये गल सी असी बकायदा दीप सिद्धू के भरा दे ध्यान विच लियांदी पर उन्होंने भी कोई अणगौली करती नहीं देखिया वो
उत्तू बाद दीप सिद्धू की खब्बी बांह अपने आप में कहता तलवारा तलवाड़ा जड़े ने उन्होंने ध्यान भी गल ली आने भी कोई गौर नहीं की दौखा भी एडे वे फिर तुम समागम भी करते हो तो वह कम से कम थोड़ा इन्ना क्या मीडिया लिए लगता प्रोग्राम थोड़ा होना चाहिए सी अलग उन्होंने कवर करने है ना बना के देना चाहिए सी दौखा भाई इस गल का दीप सिद्धू देखो उन्होंने इस दुनिया तो चले गए सानू दौखा पर जरा आ समागम आ समागम करना जा इतने कोई बड़ा ट्रस्ट बनाना जा कोई उदियां रोटियां ना सेको रोटियां सेकन वालों दूर रखो तो कम से कम जे चौंकी मान दे विच इह समागम हो रहा साडा आउण दा कारण इह सी आ मगर बोर्ड लग्या होया उहदे उत्ते शहीद करतार सिंह सराभा जी दा नाम लिखिया होया उहदे उत्ते बकायदा लिखिया होया वा IAS PCS कोच सेंटर जिहड़ा सराभा जी दे नाम दे उपर इन्हां ने नाम रखण लई कीता इहदे ते भी सानू दुख आ दुख इस गल दा वा शहीद करतार सिंह सराभा जी सिर्फ देश की आजादी लिए 19.5 साल की उम्र में जान वारी आ देखो कपूर सिंह जी साडे सत्कार जो हैगे ने पर इन्ना तो तुसी रखो कि पहला शहीदी की हुई आ ते ओ भी पहला नाम किहदा होना चाहिए तुसी नामा विच भी वंडियां पाई जाने हो ठीक है जी जिथे शहीदा नाम पहला होना चाहिए वा जां आम आपकी जिंदगी जो कि मौत दे मौत हुई हो उन्हां दा नाम मूहरे रखना जरूरी आ दौखा इस गल का क्योंकि असी लम्मा समा उत्थे संघर्ष लड़े हाँ गल साडियां मंगां की सीगियां साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के दोषियों को सजावं दवाउण लई अते बंदी सिंह जिन्हां अपन सजावं पूरियां कर चुके ने उन्हां नूं रिहा करवाउण लई उत्थे ही साडी मंग इह सी असी कल्ले करतार सिंह सराभे लई मंग नहीं सी करदे असी कहिंदे सी जिन्हां ने भी देश लई जानां वारियां ने हस फांसियां ते चढ़े ने उन्हां सारियां नूं कौमी शहीदा दर्जा दित्ता जावे उत्थे ही असी एयरपोर्ट हलवारी का नाम क्यों मंग करते भी सराभा जी के नाते रखा जाए क्योंकि सराभा जी भारत के पहले सिख पायलट सी ते पर असी उत्थे बकायदा दीप सिद्धू की फोटो ला के रखी है अज भी भावें मोर्चा असी चंडीगढ़ के सहयोग करता उत्थे पर अज भी हले तक बोर्ड साडा उत्थे उकने लग्या दीप सिद्धू की फोटो बकायदा ला के रखी सी असी बिल्कुल भी जिहड़ा इन्हां दा परिवारक मैंबर असी फोन ते संपर्क करदे नहीं आए सी पर असी इत्थे पहुंचे हां सानू अज जाने दी जलील होना पिया वा दुख लगदा इस गल दा कि जिहड़े बंदियां नूं तुसी डांगा फड़ा के मूहरे खड़ा दिंदे हो ना उन्हां नूं थोड़ा जिहा ज्ञान भी दे दिया करो भी गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी दे विच खड़ के किद्दां बोलणा वा ठीक है इह गल दी नाराजगी आ वी सारिआं नूं एक सार नहीं समझा एक सार नहीं समझा जिहड़े बंदे दीप सिद्धू नूं गलत बोलदे सी उह पहली कतार दे विच मूहरे बैठे ने जेड़े दीप सिद्धू लई लड़दे ने वह निराशा होके गए ने देखो सत्कार जो कि साडे इत्थों बाबा जी ने जोगिंदर सिंह जी राकबे तो महापुरश पहुंचे ने एडी साडे सत्कार योग ने इलाके दे उदू वड्डी साडे लई कोई शख्सियत नहीं हैगी इत्थे मैनू तो लग्या भावें बाबा जी नूं इस गल का ना लग्या होवे उन्हां नूं भी साइड ते बिठा देना कुर्सी ते दुख लग्या मैनू क्योंकि उन्हां नूं पूरे सत्कार दे नाल सामने बिठाउणा चाहीदा सीगा बाबा जी भी चले गए ने हुण इत्थों ठीक है जी वह जिहड़े इत्थों के प्रबंधक ने उन्हां दी घटिया सोच करके ये काम होया वा जाणदी इक नहीं चाहीदा सीगा ते हर एक नूं जदों तुसीं किसे नूं इत्थे बुलावा दिंदे हो तां उहनूं बकायदा सत्कार देना तो जरूरी आ ना फिर जे तुसीं सत्कार नहीं देना फिर जिहड़े बंदे मूहरे बस पहलां कैमरिया मूहरे बोलण जोगे ने इदां इनकलाब नहीं आउणे हैगे जान बार नहीं पैणियां 10 महीने सराबे बैठे रहे हां उत्थे जिहड़े बंदे इक वारी भी नहीं पहुंचे अज सानू उह सिखाउणगे भी हक्कां लई किवें लड़ना असी अज दे नहीं लड़दे 25 साल हो गए सानू शहीद करतार सिंह सराभा जी का गदर पार्टी का झंडा चक के लड़दियां नू ते जिहड़े इह जे बंदे ने बहुत यार भद्दी सरदी उन्हें वरतने दुख लग्या वा कि यार असी इदा किड्डा को गुनाह करता आए तो कदे जदों कदे एक पत्रकार होने के नाते अकालिया कांग्रेस की कवर कर जाते रहे हैं इदा तो यार उत्थे भी नहीं करते किन्ने भद्दी शब्दावली वरती यार नाम तो मैं वाकब नहीं है क्योंकि हुण उत्थे मैं इन्हां दी जिहड़े इत्थों प्रबंधक ने उन्हें सारे के ध्यान में गल लिया दी आ वह ये गल का विश्वास दवाते हैं कि यार असी भी देखते सीगे भी जरूर भी उत्थे उन्होंने थोड़े नाल दुरव्यवहार किया वा नाले गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में खड़ के तो मोर्चे पर बैठे से जिदन मोर्चे पर बैठा से मैं अमृत नहीं सी सकिया ठीक है जदों मोर्चे तो 9 महीने पूरे हो गए से अमृत भी सकिया बकायदा ठीक है एक अमृत नहीं सके वाला अमृतधारी बेअदबी इदा करूँगा बोलूगा गलत गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में मैनू कल नहीं मैनू कल का कोई दुख नहीं है यार
ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੱਧ ਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਵਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਂ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁੱਖ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਇਸ 'ਤੇ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਐਡਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੀਪ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਹਣਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੜੇਲੀ ਮੂਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਯਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਗਾਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਬੰਨਿਓ ਬਕਾਇਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਹਣਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪ ਕਾਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ।